नमस्कार, हलचल में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं अपने शहर और आसपास की हलचल पर। जालंधर के मेहतपुर इलाके के अधीन आते गांव मध्यपुर में घरेलू विवाद के चलते पति ने पत्नी, सास ससुर और दो बच्चों को तेज छिड़क कर लगाई आग, सभी की हुई मौत। एसटीएफ बॉर्डर रेंज ने प्रेस वार्ता कर एक हफ्ते की कारगुजारी के बारे में दी जानकारी। 22 किलो 500 ग्राम हेरोइन की रिकवर। अमृतसर पुलिस ने दो दिनों में तीन अलग अलग मामलों को किया ट्रेस। और अब हलचल विस्तार से। जालंधर के मेहतपुरा इलाके के अधीन आते गांव मध्यपुर की रहने वाली परमजीत कौर को अपना दूसरा विवाह करवाना इतना महंगा पड़ा कि इस विवाह के कारण ना सिर्फ उसकी बल्कि उसके बच्चे के साथ साथ उसके माता पिता की भी जान चली गई। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक परमजीत कौर नामक यह महिला, जिसकी उम्र 28 वर्ष थी, एक बेहद ही गरीब परिवार से संबंधित थी, जिसके पिता मजदूरी का काम करते थे। परमजीत कौर का विवाह पहले जिस जगह हुआ था वहां से उसे दो बच्चे थे, लेकिन उसके पति का देहांत होने के बाद उसके माता पिता द्वारा उसका दूसरा विवाह गांव खुरसैदपुरा के कालू नामक व्यक्ति के साथ करवा दिया गया, जिसके बाद परमजीत कौर कुछ देर तो अपने पति के साथ रही, लेकिन पति द्वारा लगातार उसके साथ और बच्चों के साथ मारपीट की गई और उससे कहा गया कि वह अपने बच्चों को मायके छोड़ आए। परमजीत कौर द्वारा ऐसा ना किए जाने के बाद विवाद इतना बढ़ गया कि परमजीत कौर अपने बच्चों को लेकर अपने मायके घर चली गई। इसके बाद उसके पति कालू द्वारा लगातार उस पर दबाव बनाया गया कि वह अपने बच्चे छोड़कर उसके पास आ जाए, लेकिन परमजीत कौर ने उसकी बात नहीं मानी, जिसके चलते देर रात कालू अपने कुछ साथियों के साथ परमजीत कौर के मायके घर गया, जो कि गांव के बाहर की तरफ बना हुआ है और उसकी कोई चार दीवारी भी नहीं थी। इस दौरान कालू ने अपने साथियों के साथ मिलकर पहले तो पूरे परिवार पर पेट्रोल स्प्रे किया और उसके बाद आग लगा दी। इतना ही नहीं, उसने वारदात को अंजाम देने के बाद घर की बाहर से कुंडी लगा दी ताकि कोई बाहर ना निकल सके। वहीं घटना की सूचना मिलते ही जालंधर देहात के SP सरबजीत सिंह भाईया मौके पर पहुंच गए। उन्होंने कहा कि इस घटना में परमजीत कौर सहित उसके पिता सुरजन सिंह, माता जोगिंद्रो देवी और दोनों बच्चों गुलमोहर और अर्शदीप की मौत हो गई है। फिलहाल पुलिस इस मामले में आरोपी और उसके साथियों की तलाश कर रही है। पुलिस के मुताबिक परमजीत कौर का ही नहीं बल्कि उसके पति कालू का भी यह दूसरा विवाह था और विवाह के बाद कालू परमजीत कौर के बच्चों को अपने साथ नहीं रखना चाहता था। जालंधर से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। आज पुलिस स्टेशन मैथपुर दे बिल्ठर कला पिंड हैगा, जिहड़ा साडे बॉर्डर ते पैंदा हैगा, उत्थे तड़के सानू इनफॉर्मेशन आई सी भी किसी ने अग लगाते सारे परिवार नूं। उहदे विच जदों असीं इनवैसटिगेशन कीती ते साडे सामने आया भी उहनां दी जवाई ही हैगा, कुलदीप हैगा, जिहड़ा कि खुरसैदपुर दा हैगा। उहने अपने कुछ साथियां नाल रल के अपने सहुरे परिवार नूं, जिहड़ा कि पिंडों बार बार खेतों घर हैगा आ, और उन्होंने एक पंप के नाल तीर छिड़क के उन्होंने अग लगा दी, तो उस तो बाद दरवाजा भी बंद कर दिया। सारे ही परिवार बुरी तरह झुल चुका सीगा। उहदी इनवैसटिगेशन च होर भी सानू पार्ट्स मिले हैगे आ, जिहड़े साडे स्निफर डॉग्स ने जदों ट्रैक ते चलिया, उह ते इक सानू जली हुई शर्ट मिली जिहड़ी कि बाहर खेतां च सीगी, जो सानू लग रहा भी जिहड़े फ्यूज हैगे उहनां विचों इक दी हैगी आ। इहनां दा मेन जिहड़ा रंजिश सीगी वी उह लड़की नूं, क्योंकि लड़की दी भी सैकंड मैरिज सी और लड़के दी भी सैकंड मैरिज है, और उह इहनूं बजट सीगा भी मैं लै के जाणा हैगा, परंतु लड़की कहती सी भी इहदियां जिहड़ियां हरकतां हैगियां उह ठीक नहीं हैगियां। पंजाब में नशा दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है और प्रतिदिन पंजाब में नशे के कारण नौजवानों की मौत भी हो रही है। हालांकि पुलिस द्वारा नशे को रोकने की कोशिश की जा रही है और नशा तस्करों को पकड़कर जेलों में बंद किया जा रहा है, लेकिन अब जेलों में भी नशा सेवन करने की तस्वीरें सामने आ रही हैं, जिसके बाद एसटीएफ बॉर्डर रेंज की ओर से एक प्रेस वार्ता कर बताया गया कि गत सप्ताह में एसटीएफ की ओर से 22 किलो 500 ग्राम हेरोइन रिकवर की गई है
और जेलों में नशा सप्लाई करने वाले दो व्यक्तियों पर भी मामला दर्ज किया गया है। इस मौके पर AIG STF बॉर्डर रेंज रशपाल सिंह ने बताया कि नशा बेचने वाले व्यक्तियों की जायदाद को भी सीज किया जा रहा है, जिसके चलते STF पुलिस की ओर से 1 करोड़ रुपए से अधिक तक की जायदाद सीज की जाएगी। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। स्पेशल टास्क फोर्स बॉर्डर रेंज ने पिछले करीब 7-8 दिन तो असी 5 परचे दर्ज किए हैं, जिद बस वक् वक् जो प्रगति हुई अचीवमेंट्स हुई ने, जिद 22 किलो 500 ग्राम हीरोन फड़ी है और जिद 2 जेल इंप्लाई है, तो बाकी दूजे प्राइवेट मुलजम ने, और ये 1.4 करोड़ की जी है वो प्रॉपर्टी सीज कराई हैगी समगलर ने। सो ये पिछले 7 दिनों की अचीवमेंट सी जी अज तू तकलीफ दी है बुलाया है, तो ये 22 किलो 500 ग्राम हीरोन जी है स्पैशल टास्क फोर्स बॉर्डर रेंज ने वक् वक् परचियां तो जी है वो गिरफ्तार रिकवर की हैगी है, जिद इन्वेस्टिगेशन जी चल रही है और ये FIR नंबर 1260 और 1262 दे विच 5-5 किलो रिकवरी है जिहड़ी कि ड्रोन राही आई सी और उहदे च भिखी गंढ एरिया और इधर हैगा दूजा एरिया सराय मानसका एरिया जिहदे च रिकवर कीती है। दीपावली के त्यौहार को मद्देनजर रखते हुए अमृतसर में पुलिस द्वारा हर चौराहे पर नाकाबंदी कर संदिग्ध वाहनों की बारीकी से चेकिंग की जा रही है और लूटपाट करने वाले शरारती तत्वों के खिलाफ मुहिम चलाई जा रही है, जिसके चलते अमृतसर पुलिस द्वारा 2 दिनों में अमृतसर में अलग अलग मामलों में गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों को लेकर एक प्रेस वार्ता की गई। इस बारे में जानकारी देते हुए अमृतसर पुलिस कमिश्नर अरुण पाल सिंह ने बताया कि थाना रंजीत एवेन्यू के अधीन आते इलाके में गत दिनों पिस्तौल की नोक पर कार लूटने का मामला सामने आया था। उस मामले में कार्यवाही करते हुए पुलिस ने 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है, जिनकी पहचान लखविंदर सिंह उर्फ गोल्डी, गुरप्रीत सिंह उर्फ गोपी और कैप्टन सिंह उर्फ काली के रूप में हुई है। पुलिस ने इनके पास से 2 कारें भी बरामद की हैं। वहीं एक और मामले में गत रात्रि पुलिस की एंटी गैंगस्टर टीम द्वारा नाइट चेकिंग के दौरान जम्मू कश्मीर से आ रही एक कार को रोककर जब उसकी तलाशी ली गई तो कार में से 37,06,000 रुपये बरामद हुए, जिसके बाद पुलिस ने कार सवार शिवा मदान को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं इन पैसों से बंदी इनकम टैक्स विभाग को भी सूचित कर दिया गया है। इसके अलावा पुलिस कमिश्नर ने बताया कि एक और मामले में गत रात्रि थाना A डिवीजन इलाके में पारस होटल में देह व्यापार का धंधा करने वाले 3 व्यक्तियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों की पहचान जसविंदर सिंह उर्फ जस्सी, किरपाल सिंह और गुरचरण वीर सिंह के रूप में हुई है। इनके साथ पुलिस ने एक लड़की को भी गिरफ्तार किया है। फिलहाल पुलिस ने सभी आरोपियों पर मामला दर्ज कर आगे की कार्यवाही शुरू कर दी है। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। थाना रंजीत एवेन्यू के विच पिस्टल पॉइंट से बलिनो कार रेड कलर की स्नैच हुई थी, जिसके रिगार्डिंग FIR 192 13 अक्टूबर 2022 पुलिस स्टेशन रंजीत एवेन्यू दर्ज हुई। उस दे विच बड़ी मेहनत करके साडी डिटेक्टिव टीम्स जिन्हां नूं लीडरशिप दे रहे सीगे श्री प्रभजोत विरक, उन्हां दे नाल ACP वरिंदर खोसा, SHO जसपाल सिंह, इंस्पैक्टर CIA अमनदीप, इन्हां ने बड़ा मेहनत करके इन्हां नूं 3 दोषियों नूं फड़ लिया है, लखविंदर सिंह, गुरप्रीत सिंह, कैप्टन सिंह। ते जिहड़ी गड्डी 'च इह वारदात करन आए सीगे बीट कलर, उन्हों भी बीट कार जी है उन्हों भी कर रहा है रिकवर। इस तो अलावा जी खोई हुई गड्डी सी भी वो भी रिकवर हो गई है। जालंधर में दीपावली के त्यौहार को लेकर प्रशासन की ओर से बल्ट्रन पार्क में 20 दुकानों को पटाखों के लाइसेंस जारी किए गए थे, लेकिन इसके बावजूद अभी तक प्रशासन ने लाइसेंस जारी नहीं किए, लेकिन पटाखा विक्रेता दुकानों में पटाखे लगाकर बैठे थे, जिसके चलते थाना 1 की ओर से कार्यवाही करते हुए एक पटाखा व्यापारी को गिरफ्तार कर उसके स्टॉक को अपने कब्जे में लिया है।
पुलिस पटाखों को कब्जे में लेकर थाना एक में ले गई। पुलिस ने उक्त व्यापारी के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की कार्यवाही शुरू कर दी है। इस संबंध में जानकारी देते हुए थाना प्रभारी जतेंद्र कुमार ने बताया कि अजीत नगर निवासी हरविंदर सिंह के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है, क्योंकि अभी दुकानें लगाने की परमिशन जारी नहीं हुई थी, जिसके तहत गुप्त सूचना के आधार पर रेड कर यह कार्यवाही की गई है। जालंधर से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। बल्डन पार्क के इनफॉर्मेशन मिली थी कि उत्थे जिहड़ियां पटाके दियां दुकानां इशू हुई हैं, ड्रा निकलिया होया 20 बंदिआं नूं पटाके दे दुकानां लगाउण दा लसेंस मिलिआ। ड्रा निकलिआ पर लसेंस अजे जारी नहीं होए आ। उहदे संबंध विच इन्हां ने पहलों ही लिआ के उत्थे पटाके स्टोर कीते, उहदे विच्चों असीं पटाके बरामद कीते आ। कुछ हरविंदर सिंह दे रखे हुए सी, वासी अजीत नगर दा, उहदे कोल पटाके फड़े गए। जिन्हां भी दुकानां सारियां चेक करके सारे पटाके लैंदे आ, फिर भी अगर तुहानूं कोई शक है तां दुबारा असीं तुहाडे नाल जा के चेक कर सकदे हां। संगरूर के लहरा गागा में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की ओर से जर्मनी की वेरबो कंपनी के बायोगैस प्लांट का उद्घाटन करना था, जिसमें पराली से सीएनजी तैयार की जा रही है, लेकिन मुख्यमंत्री के आने से पहले ही पूरे पंजाब भर से आए जीओजी पूर्व सैनिकों की ओर से कंपनी के दोनों गेटों को घेरकर पंजाब सरकार के खिलाफ प्रदर्शन शुरू कर दिया गया। इस दौरान जीओजी का एक कहना है कि मुख्यमंत्री अंदर जाने से पहले उनके साथ मीटिंग करें, नहीं तो उन्हें अंदर नहीं जाने दिया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि बेरवो फैक्ट्री कई वर्षों से यहां चल रही है, तो इसका उद्घाटन करने का क्या मतलब है। गौरतलब रहे कि लगभग 300 के करीब पूर्व सैनिक यहां पहुंचे हुए हैं। जी, साडा प्रोटेस्ट करना जा एजिटेशन करना जा रोष प्रदर्शन करना जा इस तरह धरने लाना कोई साडा शौक नहीं है। असी फौजी बंदे हैं, बड़े डिसिप्लिन फोर्स बंदे हैं। इस पंजाब सरकार ने जीओ जी नूं खत्म करके जी जी खत्म करना सी बेशक कर देंदे, पर जिहड़ा ये कह के इन्होंने बंद किया इस नूं कि इन्हां फौजियां ने कुछ नहीं किया, ये साढ़े ते बोझ सी, इन्हां ने कख नहीं किया, उस चीज़ का साढ़े ते रोस आ, क्योंकि साड़ी वर्दी की बेइज्जती आ। असी सैनिक हैं, असी कदे भी अपने काम दे विच असफल नहीं होंदे, असी अपनी जान देनी मंजूर करदे आ, पर असी मिशन चों कदे फेल नहीं होंदे सर। ते उस तों बाद साड़ी लगातार साड़ी मंग है कि मुख्यमंत्री साहब ते जिहड़े उन्हां दे मंत्रियां ने ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਸਕੀਮ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੂਫ ਦੇ ਰਹੇਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨੇ ਆਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ OSD ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਅਸੀਂ 6 ਤਰੀਕ ਨੂੰ OSD ਸਾਹਿਬ ਨਵਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ 'ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ, 11 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪਿਛਲੀ 13 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਾਲ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਲੰਧਰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਓਂ ਮੇ ਮਹਿਲਾਓਂ ਕੇ सशक्तिकरण के लिए पंजाब के ग्रामीण विकास और पंचायत मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल ने ऐलान किया है कि मनरेगा स्कीम के तहत गांवों में महिला मेट्स की ही नियुक्ति की जाएगी। स्थानीय DAV इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में पंचायती राज संस्थाओं में महिला सरपंचों और पंचों की मजबूत भागीदारी विषय पर करवाए नारी सशक्तिकरण सेमिनार को संबोधित करते मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की अगुवाई वाली पंजाब सरकार द्वारा महिला सशक्तिकरण के लिए कई प्रयास किए जा रहे हैं, जिसके तहत पंचायत सचिवों की आने वाली भर्ती में 50% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित रखी जाएगी। इस मौके पर अच्छे कार्य करने वाले सरपंचों के गाँवों को दुगनी ग्रांट देने का ऐलान करते हुए उन्होंने कहा कि जिन गाँवों में महिला सरपंचों द्वारा अपने गाँव का विकास करवाने में बढ़िया प्रदर्शन किया जाएगा, उनकी पंचायतों को दुगनी ग्रांट प्रदान की जाएगी। इस मौके पर जिला जालंधर और कपूरथला की महिला सरपंच, पंच, ब्लॉक समिति के जिला परिषद सदस्यों द्वारा ग्रामीण विकास पर पंचायत मंत्री का पंचायत राज्य संस्थाओं पर महिला प्रतिनिधि सशक्तिकरण और पंचायती जमीनों पर नाजायज कब्जे छुड़ाने के लिए की गई पहलकदमी के लिए विकास पुरुष के अवार्ड के साथ सम्मानित किया गया। इस अवसर पर विधायक इंद्रजीत कौर मान, विधायक बलकार सिंह, डायरेक्टर गुरप्रीत सिंह खैरा, डिप्टी कमिश्नर जसप्रीत सिंह, आप नेता राजविंदर कौर भी मौजूद रही। जालंधर से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। साडे जालंधर ते कपूरथल जिन्ने साडे सरपंच साहिबान, जिला परिषद मैंबर, ब्लाक समिति दे मैंबर,
ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਦੂਜਾ ਸੈਮੀਨਾਰ, ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੈ ਇਹ ਔਰਤਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਘਰ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅਤੇ ਕਿਉਂਕਿ 50% ਨੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸੋ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ। ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਅਫਸਰ ਆਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਰਪੰਚ ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਠਾਣੇ ਬਿਠਾਣੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੌਦਾ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਤੀ, ਕੋਈ ਬੇਟਾ, ਕੋਈ ਤੁਰਿਆ ਹੋਵੇ, ਸੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦ ਕਰ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰਿਤ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਕਿ ਜੇ ਔਰਤ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਘਰ ਚਲਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪੰਚਾਇਤ, ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਘੱਟ ਗਈ, ਉਹ ਸਭ ਲੋਕ ਸਾਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਦੇ, ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਹਵਾ ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਹਾਂ ਹੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਸੰਗਰੂਰ ਕੇ ਸੁਨਾਮ ਮੇ 4 ਦਿਨੋਂ ਸੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਰਾਜਯ ਸਤਰੀ 17 ਵਰਸ਼ੀਏ ਵੇਟ ਲਿਫਟਿੰਗ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗਿਤਾ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਈ ਔਰ ਸੀਨੀਅਰ ਵਰਗ ਕੀ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗਿਤਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸਮੇ ਰਾਜਯ ਕੇ ਸਭੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੋਂ ਸੇ ਲੜਕੇ ਲੜਕੀਆਂ ਪੂਰੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਕੇ ਸਾਥ ਭਾਗ ਲੈ ਰਹੇ ਹੈ। ਤੋ ਵਹੀ 17 ਵਰਸ਼ ਕੀ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗਿਤਾ ਮੇ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਜੀਤਨੇ ਵਾਲੀ ਮਨਦੀਪ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੇ ਵੀ ਅੱਛਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਕੀ ਬਾਤ ਕਹੀ। ਗੌਰਤਲਬ ਰਹੇ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਵਰਗ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 22 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਚਲੇਂਗੇ। ਇਨ ਮੁਕਾਬਲੋਂ ਕੋ ਪੰਜਾਬ ਕੇ ਯੁਵਾ ਵਰਗ ਕੇ ਲੀਏ ਕਾਫੀ ਅਹਿਮ ਮਾਨਾ ਜਾ ਰਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਇਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੇ ਯੁਵਾ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਹੋਣੇ ਕੇ ਸਾਥ ਸਾਥ ਖੇਲੋਂ ਕੀ ਔਰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਹੋਂਗੇ, ਐਸਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਓ ਔਰ ਕੋਚੋਂ ਦੁਆਰਾ ਮੀਡੀਆ ਸੇ ਬਾਤ ਕਰਤੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਆ ਗਿਆ। ਸੰਗਰੂਰ ਸੇ ਹਲਚਲ ਕੇ ਲੀਏ ਜਸਵੀ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਆਰਜ਼ੂ ਹੈ, ਮੈਂ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਵੀ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ਲੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀਕ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸਪੋਰਟ ਹੋਊਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਪਛੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸਿਰਫ ਕਿਹਦੇ ਕਰਕੇ, ਸਿਰਫ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕਮੀ ਕਰਕੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਘੱਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਸਪੋਰਟ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਨਾਲ ਕਿ ਨਵੇਂ ਬੱਚੇ ਵੀ ਹੋਰ ਕਾਫੀ ਜੁੜਨਗੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਨਸ਼ਾ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਰਹੂਗਾ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੇਟ ਲਿਫਟਿੰਗ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੇਮ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਗੇਮ ਅਦਰਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਛੱਡ ਕੇ ਕੁਛ ਕੁ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਟ ਵੇਟ ਲਿਫਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੇਟ ਲਿਫਟਰਸ ਨੇ ਸਾਰੇ ਹੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਫਸਟ ਸੈਕਿੰਡ ਥਰਡ ਆਉਣ ਵਾਲੇ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਤਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਫਿਲਮੀ ਅਦਾਕਾਰ ਔਰ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਜਥੇਬੰਦੀ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਮੁਖੀ ਸ਼ਹੀਦ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਕੀ ਮਹਿਲਾ ਮਿੱਤਰ ਰੀਨਾ ਰਾਏ ਸੱਚਖੰਡ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਮੇਂ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣੇ ਕੇ ਲੀਏ ਪਹੁੰਚੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹੋਂਨੇ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰੂਬਾਣੀ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਕਾ ਸ਼ਰਵਣ ਵੀ ਕੀਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪਰ ਜਬ ਪੱਤਰਕਾਰੋਂ ਨੇ ਰੀਨਾ ਰਾਏ ਸੇ ਬਾਤ ਕਰਨੇ ਕੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀ ਤੋ ਉਨਕੇ ਦੁਆਰਾ ਪੱਤਰਕਾਰੋਂ ਸੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ ਗਈ। ਗੌਰਤਲਬ ਰਹੇ ਕਿ ਰੀਨਾ ਰਾਏ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਕੀ ਵਹਿ ਮਹਿਲਾ ਮਿੱਤਰ ਹੈ। ਜਬ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਕੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਥੀ ਤੋ ਵਹਿ ਉਸਕੇ ਸਾਥ ਥੇ, ਜਿਸਕੇ ਬਾਅਦ ਰੀਨਾ ਰਾਏ ਪਰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਕੀ ਮੌਤ ਕੋ ਲੇਕਰ ਕਈ ਸਵਾਲ ਵੀ ਖੜੇ ਹੋਏ ਥੇ ਔਰ ਵਹਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਚਲੀ ਗਈ ਥੀ, ਜਿਸਕੇ ਬਾਅਦ ਵਹਿ ਸੱਚਖੰਡ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਮੇਂ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣੇ ਕੇ ਲੀਏ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸੇ ਹਲਚਲ ਕੇ ਲੀਏ ਸੁਨੀਲ ਖੋਸਲਾ ਕੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਰੋਟਰੀ ਕਲੱਬ ਜਲੰਧਰ ਵੈਸਟ ਕੀ ਔਰ ਸੇ ਇਨਰ ਵੀਲ ਕਲੱਬ ਜਲੰਧਰ ਵੈਸਟ ਔਰ ਇਨਰ ਵੀਲ ਕਲੱਬ ਜਲੰਧਰ ਇਲੀਟ ਕੇ ਸਹਿਯੋਗ ਸੇ ਵਰਲਡ ਪੋਲੀਓ ਡੇ ਕੇ ਉਪਲਕਸ਼ ਮੇਂ ਵਾਕਥੋਨ ਕਾ ਆਯੋਜਨ 23 ਅਕਤੂਬਰ ਕੋ ਨਿਊ ਰੂਬੀ ਹਸਪਤਾਲ ਜਲੰਧਰ ਸੇ ਕੀਆ ਜਾ ਰਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਮੇਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਤੇ ਹੋਏ ਰੋਟੇਰੀਅਨ ਡਾਕਟਰ SPS ਗਰੋਵਰ ਨੇ ਬਤਾਇਆ ਕਿ ਵਰਲਡ ਪੋਲੀਓ ਡੇ ਕੇ ਉਪਲਕਸ਼ ਮੇਂ ਵਾਕ ਫਾਰ ਹੈਲਥ ਔਬ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਰੂਲਸ ਔਰ ਰੋਡ ਸੇਫਟੀ ਕੇ ਉਦੇਸ਼ਯ ਕੋ ਧਿਆਨ ਮੇਂ ਰੱਖਤੇ ਹੋਏ ਇਸ ਵਾਕਥੋਨ ਕਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਆ ਜਾ ਰਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਨਿਊ ਰੂਬੀ ਹਸਪਤਾਲ ਸੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਕਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਿਸ਼ਨ ਚੌਂਕ, ਸਕਾਈਲਾਰਕ ਚੌਂਕ, ਨਾਮਦੇਵ ਚੌਂਕ, BSF ਚੌਂਕ, ਕੂਲ ਰੋਡ ਔਰ ਲਿੰਕ ਰੋਡ ਸੇ ਹੋਤੇ ਹੋਏ ਵਾਪਿਸ ਨਿਊ ਰੂਬੀ ਹਸਪਤਾਲ ਮੇਂ ਆਕਰ ਸੰਪੰਨ ਹੋਗੀ, ਜਿਸ ਮੇਂ ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਕੇ ਮੁੱਖ ਸੰਪਾਦਕ ਸ਼ੀਤਲ ਵਿੱਚ ਔਰ ਵਿਧਾਇਕ ਰਮਨ ਅਰੋੜਾ ਬਤੌਰ ਮੁੱਖ ਅਤਿਥੀ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰੇਂਗੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪਰ ਅਧਿਅਕਸ਼ ਰੋਟੇਰੀਅਨ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰੋਟੇਰੀਅਨ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿਰਦੀ, ਸਚਿਵ ਰੋਟੇਰੀਅਨ ਜਗਦੀਸ਼ ਕਟਾਰੀਆ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੋ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰੋਟੇਰੀਅਨ ਡਾਕਟਰ ਪੂਜਾ ਕਪੂਰ ਸਹਿਤ ਸਭੀ ਸਦੱਸਿਆਗਣ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ। ਜਲੰਧਰ ਸੇ ਹਲਚਲ ਕੇ ਲੀਏ ਸੁਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਕੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਮੈਂ ਪਾਸਟ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਗਵਰਨਰ ਡਾਕਟਰ SPS ਗਰੋਵਰ, ਰੋਟਰੀ ਕਲੱਬ ਜਲੰਧਰ ਵੈਸਟ ਦਾ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੱਕ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ 24
अक्तूबर नू वर्ल्ड पोलियो डे मनाया जाता है। सारे वर्ल्ड दे विच पोलियो की अवेयरनैस बारे एक कार्यक्रम किया जाता है। तो रोटरी क्लब जलंधर वैसट 23 तरीक न एक वाकाथोन कर रहा है। वाकाथोन दे विच लोगों दे विच अवेयरनैस क्रिएट की जाएगी अबाउट पोलियो, क्योंकि भावें साडे देश च 5-6-7-8 साल तो पोलियो खत्म हो चुका है, बट स्टिल अजे भी नवे केस आने का डर है। सो उसकी अवेयरनैस क्रिएट करने वास्ते एक वाकाथोन किया जा रहा है। ये वाकाथोन का दो होर परपज़ भी असी नाल लए ने, एक वॉक फॉर योर हैल्थ, दूसरा रोड सेफ्टी। इन्हां दे बारे जिन्हें भी स्लोगनस ने वो असी नाल लैके जावांगे ते लोगों नू अवेयर करांगे। ये वाकाथोन न्यू रूबी हॉस्पिटल तो शुरू होएगी, फिर दैनिक सवेरा दे ऑफिस तो लंघती हुई स्काईलाक चौंक, नामदाव चौंक, BMC चौंक ते कूल रोड तो हो के फिर लिंक रोड से वापस न्यू रूबी हस्पताल आएगी। ये कई स्कूलों के कॉलेजों के बच्चे आ रहे हैं, सारे टी शर्ट्स दी जाएगी और सारे बाद रिफ्रैशमेंट दी जाएगी। सारे दाल गल डिस्कस हो जोड़े साढ़े तीन ऑब्जेक्टिवस है, रोड सेफ्टी है, वॉक फॉर योर हैल्थ एंड पोलियो डे सैलीब्रेशन। इस मैं बहुत धन्यवाद करता शीतल विज साहब का, जिन्होंने कि साडा टी शर्ट्स का स्पॉन्सर करने की जिम्मेवारी ली है। उन्होंने जिन्हें भी पार्टिसिपेंट्स आएंगे सबनों असी टी शर्ट्स देवे और ये सारिया दैनिक सवेरा वालों स्पॉन्सर ने। थैंक यू। दैनिक सवेरा की ओर से शुरू की गई फेस्टिवल शॉपिंग धमाका सीजन 3 को लेकर लोगों में काफ़ी उत्साह देखने को मिल रहा है और लोग बढ़ चढ़ कर विभिन्न शोरूम में जाकर स्कीम के तहत जमकर खरीदारी कर रहे हैं और इसका लाभ उठा रहे हैं। इसी के चलते द क्रॉकरी वर्ल्ड मॉडल टाउन जालंधर में भी इस स्कीम को लेकर लोगों द्वारा खरीदारी करने के लिए तांता लगा हुआ है। इस मौके पर शोरूम के मालिक ने बताया कि स्कीम के जरिए लोगों को कई प्रकार के गिफ्ट्स जीतने के अलावा उनके शोरूम में मौजूद विभिन्न कंपनियों के प्रोडक्ट्स पर काफी छूट दी जा रही है, जिसके चलते लोग जमकर खरीदारी कर रहे हैं। दैनिक सवेरा की फेस्टिवल शॉपिंग धमाका सीजन 3 का रोमांच लोगों में खूब देखने को मिल रहा है। वहीं स्कीम को लेकर कोस्मो हुंडई जीटी रोड जालंधर में भी वाहनों पर कई प्रकार की स्कीमें दी जा रही हैं और गिफ्ट भी प्रदान किए जा रहे हैं। इस मौके पर शोरूम के सीईओ नरेंद्र कौशल ने बताया कि दैनिक सवेरा की फेस्टिवल धमाका स्कीम के चलते कस्टमर्स को अलग अलग मॉडल्स की कारों पर 13,000 रुपए से लेकर 1,00,000 तक के ऑफर दिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि दैनिक सवेरा की फेस्टिवल धमाका स्कीम का लोग खूब लाभ उठा रहे हैं, जिस कारण उनके शोरूम में लोग बढ़ चढ़ कर वाहनों की खरीदारी करने के लिए पहुंच। मायसेल्फ नरेंद्र कौशल, सीईओ कॉस्मो हुंडई। पहले ही सबसे पहले तो दीपावली की सबको शुभकामनाएं। दीपावली का जो फेस्टिवल सीज़न चल रहा है इसमें ओवरवेलमिंग रिस्पांस है, बहुत अच्छी तादाद में कस्टमर्स आ रहे हैं और काफ़ी हाई पिच पे सेल्स भी हो रही है। फेस्टिवल सीज़न को मद्देनज़र रखते हुए हुंडई ने बहुत अच्छे ऑफर्स दिए हैं, जो कि 13,000 से ले कर 1,00,000 रुपये तक, डिपेंडिंग ऑन द मॉडल, डिफरेंट गाड़ियों के ऊपर दिए जा रहे हैं। इसके अलावा माहौल को और अच्छा बनाने के लिए
हमने अपने शोरूम में बहुत अच्छी डेकोरेशन कर रखी है और कुछ फेस्टिवल के ऊपर अच्छे अच्छे नए ऑफर्स पहली बार आए हैं, लाइक स्पिन एंड विन। इसमें हमने एक स्पिनिंग व्हील लगाया जिसमें 8 तरह के ऑप्शंस हैं। जो भी कस्टमर गाड़ी खरीदता है उसको हम स्पिन करने का मौका देते हैं। 8 में से जो भी ऑप्शन आती है हुंडई की कंज्यूमर स्कीम के अलावा उसको वो भी मिलता है, जिसमें 11,000 रुपये का कैश प्राइस, सिरेमिक कोटिंग, टेफ्लॉन कोटिंग, टैंक फुल, 2 ग्राम गोल्ड कॉइन जैसे अच्छे अच्छे प्राइजेज हैं। बहुत ज़्यादा स्टॉक नहीं है, इसलिए कस्टमर्स को चाहिए जल्दी से जल्दी आएँ ताकि 24 तारीख दिवाली से पहले पहले अपनी चॉइस का प्रोडक्ट ले पाएँ, अदरवाइज़ उनको 1-2 महीने वेट करनी पड़ सकती है। स्कीम काफ़ी अच्छी है, उससे लोगों में काफ़ी उत्साह बढ़ा है। जो भी गाड़ी लेके जा रहा है वो कूपन फिल करके डाल रहा है और लोग उम्मीद कर रहे हैं कि प्राइजेस उन्हीं का निकलेगा, इससे भी हमारी सेल्स में इजाफा हो रहा है। दैनिक सवेरा द्वारा शुरू की गई फेस्टिवल शॉपिंग धमाका सीजन 3 को लेकर लोगों में काफ़ी क्रेज देखने को मिल रहा है। वहीं इस स्कीम को लेकर मक्कड़ मोटर्स में भी लोगों को कई प्रकार की छूट वाहनों पर मिल रही है। इस मौके पर मक्कड़ मोटर्स के MD पविंदर सिंह मक्कड़ ने बताया कि दैनिक सवेरा द्वारा शुरू की गई फेस्टिवल शॉपिंग धमाका स्कीम बहुत ही बढ़िया स्कीम है, जिसमें लोगों को कई प्रकार के गिफ्ट जीतने का मौका मिल रहा है और साथ ही उनके शोरूम में वाहनों की खरीदारी करने पर भी भारी छूट मिल रही है और लोग भी स्कीम को लेकर उत्साहित दिखाई दे रहे हैं। मैं आज दैनिक सवेरा टीम का मक्कड़ मोटर से आते हुए स्वागत करता हाँ और हमेशा की तरह दिन त्यौहार से लोगों को विश करने के लिए ये साड़ी मदद करते हैं। मैं मक्कड़ मोटर वालों, महिंद्रा वालों सारिया नूं दिवाली दियां शुभकामनावां करता हाँ और अरदास करता हाँ उस परमात्मा अगे कि हर घर दे विच खुशियां दी दिवाली होवे, किसे नूं कोई निराशा ना होवे। और मेरे वाहिगुरु जी, मेरी माता राणी सारिया दा साढ़े ते आशीर्वाद बनिया रहे, साढ़े जिहड़ा स्टाफ है, साढ़े जिहड़े गाहक हन, और साड़ी फैमिली वांगू हन, मैं उन्हां लई भी प्रे करता हाँ। सारे सज्जन दुश्मन, कोई भी दुश्मन नहीं हुंदा, ये बेतुकियां गल्लां हन। जिवें किसी ने कहा ना कि दुश्मन मरे ते खुशी ना करिए, सजना भी मर जाणा। बहुत ज़्यादा उत्साह है साढ़े को, सारिया गड्डिया शॉर्टेज जड़िया गड्डिया हैं, आँधी गड्डी पिछों है विक पहला जाती है। पिछले साल भी साढ़े बहुत सारे कस्टमर के इतों नाम निकले सन, किसी का माइक्रोवेव, किसी का TV, और इस साल भी काफ़ी लोगों की उस चीज़ को लैके दिमाग दे विच है कि इतों गड्डी खरीदनी है ताकि सानू फिर कोई एज ए प्रेजेंट दिवाली गिफ्ट मिलेगा और असी खुशी नाल देंगे। सानू इस चीज़ की बहुत हेल्प है। दैनिक सवेरा यहोजे एफर्ट करती रहती है और साडे बिजनेस प्लान का साथ दिंदी है। दैनिक सवेरा द्वारा शुरू की गई फेस्टिवल शॉपिंग धमाका सीजन 3 को लेकर लोगों में काफ़ी क्रेज देखने को मिल रहा है। वहीं स्कीम के चलते कोस्मो व्हीकल्स GT रोड चरंदर में भी लोगों को कई प्रकार की छूट वाहनों पर मिल रही है। इस मौके पर जनरल मैनेजर उमेश अरोड़ा ने बताया कि दैनिक सवेरा द्वारा शुरू की गई फेस्टिवल शॉपिंग धमाका स्कीम बहुत ही बढ़िया स्कीम है, जिसमें लोगों को कई प्रकार के गिफ्ट जीतने का मौका मिल रहा है और साथ ही उनके शोरूम में वाहनों की खरीदारी करने पर भारी छूट मिल रही है। सब तो पहला मेरे वालों, मेरा नाम उमेश अरोड़ा फ्रॉम कोस्मो टाटा जलंधर, टाटा मोटर की ऑथराइज शोरूम है जी। मेरे वालों सारे दर्शकों को पहले तो है दिवाली दी बहुत बहुत शुभकामनावां। इत्थे जिवें तुसीं देख रहे हो शोरूम दे विच काफ़ी उत्साह, कस्टमरस का रश जिहड़ा हैगा काफ़ी उत्साह नाल आए हुए हैं। कस्टमर कुछ डिलीवरीज लै रहे हैं,
कुछ बुकिंग्स करवा रहे हैं। टाटा मोटर्स में बहुत वधिया स्कीम्स चल रही ने, जिस तरह की अप टू 65,000 का डिस्काउंट चल रहा है, टियागो के उत्ते चल रहा है, CNG के उत्ते पहली बारी असी डिस्काउंट्स लैके आए हैं। 30,000 रुपए तक का डिस्काउंट CNG गड्डिया तो हैगा, हैरियर के उत्ते, सफारी के उत्ते, सारिया गड्डिया के उत्ते असी डिस्काउंट दे रहे हैं। तो बहुत वधिया मतलब एक रश देखने को मिल रहा है दिवाली के मौके पर। अपनी दिवाली के उत्ते धनतेरस के उत्ते जिन्होंने डिलीवरीज लैनी है वो बुकिंग्स करवा रहे हैं, तो जिन्होंने ऑलरेडी प्लैन किया हुआ बुक राही अपनी डिलीवरीज लैन वास्ते आए हुए हैं। बड़ा अच्छा सहयोग मिल रहा है जी, जिमें दैनिक सवेरा वालों एक बड़ी वधिया ऑफर कढ़ी गई है कि जिन्हें भी परचेज कर रहे हैं गड्डिया उन्हों का एक कूपन दैनिक सवेरा वालों मतलब भरिया जा रहा है, तो वो बिहाव से उन्होंने लकी ड्रॉज भी कटने ने, तो लोगों के अंदर भी वो उत्साह देखने मिल रहा है। जय माँ वैष्णो सभा की ओर से 41वां वार्षिक जागरण फग्गू मोहल्ला गढ़ा जालंधर में बड़ी ही धूमधाम से करवाया गया, जिसमें आई हुई भजन मंडलियों ने माँ भगवती की महिमा का गुणगान कर उपस्थित भक्तों को झूमने पर विवश कर दिया। इस मौके पर आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता सुरेंद्र सिंह सोडी, भाजपा नेता सरबजीत सिंह मक्कड़ और आप नेता दिनेश ढल ने मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होकर माथा टेक आशीर्वाद प्राप्त किया। इस मौके पर मिंटू जुनेजा, प्रभदयाल सुभाष पप्पी, अमरजीत सिंह, अमृतपाल शिवदत्ता, अनिल बजाज, गोपी रोबिन कनौजिया, ओम प्रकाश कनौजिया सहित कई लोग मौजूद रहे। जालंधर कैंट से हलचल के लिए जतिन राजपूत की रिपोर्ट। जय हो बैंकिंग सभा का, मैं जो बहुत धन्यवाद करता कि उन्होंने इतने आने का मौका दिता और माता जी का जो आशीर्वाद वो लैन का मौका मिलया, और एक कमेटी जी हर साल की तरह इस साल भी उन्होंने जागरण कराया, और मैं अरदास करता माता अगर कि इस तरह हर साल एक कमेटी जी जागरण कराती रहे। सभा वालों जो 41वां जागरण संपूर्ण होया, सारे भगतों का, सारे महला निवासियों का, सारे बाहरे आए सज्जनों का सारे का धन्यवाद जी, जिन्होंने साढ़े नाल हर पल साढ़े नाल सहयोग दिता जी। उन्होंने सारे का लक्की नरूला जी उन्होंने खास करके धन्यवाद जी, जिन्होंने हर वक्त साड़ी हर आवाज़ नू साढ़े नाल मीडिया नाल अते पतवंते सज्जना नाल सानू मिलाया जी। जय माता वैष्णो सभा की तरफ से बड़ा धूमधाम से जागरण गढ़े में कराया जा रहा है। मैं सारे कैंट वासियों के वलों, गढ़े वासियों वलों जागरण दी मां माई दी दे जागरण दी बहुत बहुत बधाई देता। जय माता वैष्णो देवी भवन की तरफ से बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छा जागरण मनाया जाता है, और ये जागरण हर साल सभी गढ़ा निवासियों की तरफ से और जितने भी क्लब के मेंबर है उनकी तरफ से मनाया जाता है। और जिहड़ा एक महामाई दा जिहड़ा वा गुणगान बहुत ही अच्छी तरह बजाज परिवार, नागपाल परिवार, साढ़े जिहड़े सारे परिवार वासी गढ़े दे वाल सब जिहड़ा ये अपने लक्की जी है हर वेले साढ़े नाल मोढ़ा मिला के खड़े है जी। जय माता वैष्णो सभा की ओर से 41वां वार्षिक जागरण बड़ी धूमधाम से मनाया गया, और मैं गढ़े निवासियों को सारों को बधाई देता हूँ। जय माता दी। फरीदकोट में पंजाब स्टेट मिनिस्ट्रियल सर्विसेज यूनियन की ओर से लंबे समय से लटकती मांगों के संबंध में मिनी सेक्रेटरिएट में रोष प्रदर्शन के बाद अपनी बाइक पर सवार होकर पूरे शहर में हल्का विधायक और पंजाब सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए हल्का विधायक गुरदित सिंह सेखों की कोठी का घेराव किया गया। जिक्र योग है कि बीते 9 दिनों से राज्य भर में क्लैरिकल मुलाजिमों की ओर से कलम छोड़ हड़ताल की हुई है, जिससे लोगों को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। इस मौके पर जिला जनरल सेक्रेटरी बलवीर सिंह, DC कार्यालय के प्रधान सतीश कुमार, जिला प्रधान अमरीक सिंह और ड्राफ्टमैन यूनियन के राज्य प्रधान मनजीत सिंह ने बताया कि पंजाब सरकार के नाम हल्का विधायक के PA अमन बाबा को मांग पत्र दिया गया। इस मौके पर धरना प्रदर्शन कर रहे मुलाजिमों की ओर से पंजाब सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की गई। फरीदकोट से हलचल के लिए गुरप्रीत सिंह की रिपोर्ट। और अब अंत में हलचल की गतिविधियों पर एक नजर फिर से। जालंधर के महतपुर इलाके के अधीन आते गांव मध्यपुर में घरेलू विवाद के चलते पति ने पत्नी, सास ससुर और 2 बच्चों को तेज छिड़क कर लगाई आग, सभी की हुई मौत। SAF बॉर्डर रेंज ने प्रेस वार्ता कर 1 हफ्ते की कारगुजारी के बारे में दी जानकारी। 22 किलो 500 ग्राम हेरोइन की रिकवर। अमृतसर पुलिस ने 2 दिनों में 3 अलग-अलग मामलों को किया ट्रेस।
इसके साथ ही अब तक की गतिविधियां समाप्त होती हैं और ताज़ा जानकारी के लिए देखते रहिए हलचल।